हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन सोसाइटी का रिलीजियस डाइवर्सिटी वाला टॉपिक कवर करेंगे। एंड इस आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो फर्स्ट द एक्सटेंट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया, लाइक इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस। इंटर रिलीजियस मतलब अलग अलग रिलीजन है, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट एट्सेट्रा इन अवर इंडिया। एंड इंट्रा रिलीजियस में एक रिलीजन में ही कई सेक्ट्स होते हैं, कल्स होते हैं, तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, व्हाट आर द इशूज़ रिलेटेड विद द रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी तो अच्छी चीज़ है, बट देर इज़ सम इशूज़ लाइक कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में वी विल डिस्कस इट्स कॉन्सेप्ट एंड मैनिफेस्टेशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ कम्युनलिज्म एंड हाउ इट इज़ इवॉल्व। और जब कम्युनलिज्म वॉलेंट ऑफ शूट, कम्युनलिज्म का ही एक वॉलेंट ऑफ शूट है, दैट इज़ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। एंड व्हाट इज इट्स कॉन्सेप्ट एंड व्हाई इट डेवलप्ड, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो इस चीज़ हम लोग देखेंगे। एंड ये भी एनालाइज करेंगे कि दैट इज़ रिलीजियस डाइवर्सिटी अ थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रिटी। तो स्टार्ट करते हैं द टॉपिक ऑफ कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म बोला जाता है, कई होता है कम्युनल है, कम्युनलिज्म टेंडेंसी है सोसाइटी में, तो ये होता क्या है। तो कम्युनलिज्म रिफर्स टू द आइडिया, रिफर्स टू एन आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू विच द सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी हैविंग डिफरेंट सेकुलर इंटरेस्ट लाइक सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अ मैन ऑफ रिलीजन इज नॉट कम्युनल बट अ मैन हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स बाय लिंकिंग विथ रिलीजन इज कम्युनल। तो एक रिलीजियस आदमी होना और कम्युनल आदमी होना, दोनों में अंतर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनलिज्म एंड रिलीजियसनेस। तो कम्युनलिज्म है कि व्हेन पॉलिटिकल ट्रेड आ जाए रिलीजन में, लाइक जो बोलते हैं लेमन टर्म में कि मजहब की सियासी दुकानदारी कर रहे हैं, मजहब का सियासी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, दैट इज़ कम्युनलिज्म। एंड रिलीजियसनेस मतलब हैविंग फेथ इन वंस ओन रिलीजन, कि हाँ हमको भाई जो भी अपना फेथ लोग रिलीजन फॉलो करते हैं हमको उसमें विश्वास है। तो व्हाट आर दी डिग्री ऑफ कम्युनलिज्म, किस टाइप का होता है। तो इट कैन बी ऑफ माइल्ड डिग्री, मॉडरेट डिग्री, एक्सट्रीम डिग्री। माइल्ड कम्युनलिज्म इज पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजियस कम्युनिटी हैव सेम सेक्युलर इंटरेस्ट, कि भाई हम लोग एक कम्युनिटी के हैं तो हमारा एक तरह का इंटरेस्ट है। मॉडरेट कम्युनलिज्म में व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी हैव डिफरेंट सेक्युलर इंटरेस्ट, कि नहीं भाई मुस्लिम का इंटरेस्ट अलग होता है, क्रिश्चियन का अलग होता है, हिंदूज का अलग है, तो उसको बोलेंगे थोड़ा मॉडरेट डिग्री का कम्युनलिज्म है। एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म की व्हेन पीपल नॉट ओनली हैव डिफरेंट इंटरेस्ट बट म्यूचुअली होस्टाइल एंड एंटागोनिस्टिक इंटरेस्ट, इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। कि मतलब एक या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे, जो होता है कि नहीं हिंदुओं को मुस्लिम से खतरा है, मुस्लिम को हिंदू से खतरा है, तो ये चीज़ कोई अगर प्रोपोगेट कर रहा है तो यू नो ही इज़ हैविंग एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। तो इसके अलावा एक ज़ीरो सम गेम थ्योरी है। तो ज़ीरो सम गेम थ्योरी मतलब कि लाइक अगर एक कोई सोसाइटी है उसमें कुछ अलग अलग रिलीजियस फेथ के लोग हैं, लाइक 100 लोग हैं तो उसमें हिंदू हैं 50 और हिंदू मुस्लिम हैं, तो एक तो जीरो सम थ्योरी के हिसाब से कि इफ समवन इज़ गेनिंग पावर देन अनदर सेक्शन इज़ ऑटोमेटिकली लूजिंग पावर। कि अगर मान लो हिंदू स्ट्रांग हो रहा है तो मुस्लिम वीक हो रहे हैं, मुस्लिम स्ट्रांग हो रहे हैं तो हिंदू वीक हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर इज़ कॉन्स्टेंट व्यू ऑफ पावर, तो इसको जीरो सम गेम थ्योरी बोलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनलिज्म। तो अकॉर्डिंग टू वी के ओनन देर इज़ अ एसिमिनलिस्टिक टाइप, वेलफेयरिस्टिक कम्युनलिज्म एंड रिट्रीटरिस्ट कम्युनिज्म, सेपरेटिस्ट कम्युनिज्म एंड सेसेनिस्ट कम्युनिज्म। तो सबसे पहले एसिमिलेशनिस्ट में क्या है कि व्हेन अ लार्जर रिलीजियस कम्युनिटी ट्राइज टू एसिमिलेट द स्मॉलर वन सच दैट द स्मॉलर वंस का कल्चर गेट सबड्यूज, इसको बोलेंगे लाइक जो है हिंदू कोड बिल में बोला गया कि भाई हिंदूज़ में कोड बिल के हिसाब से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन ये सारे लोग इसमें आएंगे। तो एंड जी एस घुरे का व्यू था कि ट्राइबल्स आर बैकवर्ड हिंदूज़, ये सारा चीज़ें लाइक असिमिलेशन अप्रोच है कि नहीं ट्राइबल्स को भी असिमिलेट कर लो। फिर वेलफेयरिस्टिक कम्युनलिज्म क्या होता है कि प्रमोटिंग सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ओन रिलीजन्स पीपल, तो लाइक अपने खुद के रिलीजन के लिए हॉस्टल्स एस्टेब्लिश करना, स्कॉलरशिप देना, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना उनके लिए, ये वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म हो गया। फिर रिट्रिएटिस्ट कम्युनलिज्म लाइक स्पेसिफिक टू ये बहाई कम्युनिटी में होता है, बहाई कम्युनिटी जैसे जिनका लोटस टेम्पल है, तो दे फॉरबिडन टू पार्टिसिपेट इन दी
पॉलिटिक्स, तो रिट्रीट रहते हैं ये, एंड सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजीज ऑफ यूनिटी ऑफ गॉड रिलीजन एंड मैनकाइंड, तो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते बाहर कम्युनिटी। फिर एक रिटेलिएटरी कम्युनिज्म होगा, तो व्हेन कम्युनिस्ट हैव म्यूचुअली हॉस्टाइल इंटरेस्ट एंड ऑफन इट इज़ मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, लाइक हिंदू मुस्लिम क्लैश हो गया कहीं पर, कहीं आपस में दो रिलीजियस फेज आपस में हॉस्टाइल हैं तो दूसरा रिटेलिएट कर रहा है। फिर हो गया सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म, तो सेपरेटिस्ट टाइप में व्हेन दी डिमांड ऑफ ऑटोनमी इज़ बेस्ड ऑन दी रिलीजियस लाइंस एंड हाउवर विद इन दी इंडियन यूनियन, लाइक डिमांड ऑफ अ सेपरेट पंजाब स्टेट, एक सेपरेटिस्ट तक नहीं सेपरेट हो रहा है। और एक सेसेशनिस्ट कम्युनिज्म होता है, लाइक खालिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर का डिमांड, तो डिमांड ऑफ सेपरेट नेशन ही इनको चाहिए बेस्ड ऑन रिलीजन, इस रिफर्ड एज सेसेशनिस्ट कम्युनिज्म। इट हैज़ बीन कंक्लूडेड दैट दी फर्स्ट थ्री टाइप्स आर नॉट अ थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन, बट जो लास्ट थ्री टाइप्स, क्वेश्चन था ना कि इज कम्युनिज्म इज थ्रेट टू नेशनल यूनिटी, तो लास्ट थ्री टाइप्स के हैं, यानी कि जो एक रिटेलिएटरी है, सेपरेटिस्ट है और सेशनिस्ट है, दे आर दी थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन। फिर एक क्वेश्चन है कि लाइक डिस्कस द फैक्टर ऑफ ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, यानी कि एक तरीके से हम इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिज्म देख रहे हैं इंडिया में, तो वो कैसे है। तो सबसे पहले तो जो इंडिया एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, तो एग्रीकल्चर वॉज डेलिपिटेटेड एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज माइंड एंड प्लस मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलपमेंट बट नॉट एट द लार्ज स्केल। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज विद सेकुलर एजुकेशन, ये सब जब कॉलोनियल एरा में ये सब स्टार्ट हो रहा था, इट क्रिएटेड अ सेट ऑफ पीपल सीकिंग मिडिल क्लास जॉब एंड एस्पिरेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ मिडिल क्लास इन अ सोशल सिचुएशन विच डिड नॉट offer them adequate opportunity created the grounds of communal politics. The irony in the Indian context was that the socio-economic reality was such that socio-economic differences jo the they coincided with the religious differences, like initially the Hindu landlord the aur Muslim peasants the, to large Muslim peasants the jo ki generally oppressed the, Hindu landlords generally well off the, aur iske alawa jo hai जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी था, लाइक वेस्टर्न पंजाब एंड ईस्टर्न बंगाल में, तो वेस्टर्न जो पंजाब है उसमें मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स वर्सेस हिंदू मनी लेंडर्स का इशू चल रहा था, और ईस्टर्न बंगाल में हिंदू जमींदार वर्सेस मुस्लिम चोटीदार्स का स्ट्रगल था, उसकी वजह से कॉन्स्टेंट इलीट पावर स्ट्रगल चल रहा था। एंड द पावर स्ट्रगल इन द अपर स्टेटा ऑल्सो मैनुफैक्चर्ड द कम्युनलिज्म, इन सब की वजह से था। साथ में इसमें आँख मीखी का काम किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स ने, तो टू काउंटर द ग्रोइंग नेशनल मूवमेंट्स जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहे थे, कम्युनलिज्म बिकम द मेन प्रॉम्प्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो लाइक वो कैसे स्टार्ट की, तो दे ब्रिटिश अडॉप्टेड टॉलरेंस टुवर्ड्स कम्युनल प्रेस, सेपरेट इलेक्टोरेट लाए, एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनल लीडर्स एज द मेन स्पोक्स पर्सन किया ऑफ देयर कम्युनिटी, तो यू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बढ़ाते गए। एंड ओवर थ्रोविनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज ओनली द नेसेसरी कंडीशन टू फाइट कम्युनलिज्म, बट इट वॉज नॉट सफिशियंट। वाई? एक तो फेलियर ऑफ नेशनल लीडरशिप था टू यूनिफाई डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड स्टीड ऑफ मेकिंग डायरेक्ट अपील दे रिसोर्टेड टू द पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन विद द लीडर्स ऑफ रिस्पेक्टिव रिलीजियस ग्रुप, तो उसकी वजह से और बढ़ा। देर वॉज अ इम्प्लिसिट एक्सेप्टेंस अमंग ऑल दैट ऑल दो दे शेयर्ड ए कॉमन इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल इंटरेस्ट, सोशियो कल्चरली दे आर डिफरेंट, एंड हिंदू टिंज और टच वॉज गिवन टू दी नेशनलिस्ट मूवमेंट, लाइक इन द फॉर्म ऑफ गणेश फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, टेकिंग डीप एफ इन होली गंगा, तो ये सारे थोड़ा हिंदू फ्लेवर दे दिया नेशनल मूवमेंट को। इसके अलावा ओवर इम्फेसिस ऑफ द एंशंट इंडियन कल्चर एंड अंडरमाइनिंग द मिडिवल कल्चर हैज़ लेड टू द रिसेंटमेंट अमंग द एजुकेटेड मुस्लिम क्लास विच रिजल्टेड देयर एलिनेशन फ्रॉम दिस फ्रीडम स्ट्रगल। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ऑल्सो गवर्नमेंट फेल टू कंटेन द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनलिज्म एंड द वॉयलेंस एसोसिएटेड विद दिस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्यों नहीं कम्युनलिज्म रुका, तो उसके कई रीजन्स थे, लाइक सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कंटिन्यू रही इंडिपेंडेंस के बाद भी, एंड रियल एंड ऑल्सो एज रियल एज वेल एज परसीव डिप्रीवेशन था डिफरेंट रिलीजियस सेक्शंस में, लैक ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन रहा, एंटी सोशल फ्रिंज एलिमेंट्स थे, पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑन रिलीजियस लाइंस रहा,
लैक ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ रही, जिसकी वजह से कम्युनलिज्म और बढ़ा। और एक ये विशेष साइकिल का काम करता है, जैसे लैक ऑफ अगर कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ तो एक स्टीरियोटाइपिंग आता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, उसकी वजह से हॉस्टाइल एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स अदर्स, एंड ऑफन इट इज़ मैनिफेस्टेड इन द वायलेंट फॉर्म, एंड पीपल रिसॉर्टिंग टू सर्वाइवल टेक्निक ऑफ इनविजिबिलिटी, कि अगर कोई वायलेंट रहेगा तो हम खुद इनविजिबिलिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से घटोएशन बढ़ता है और उससे उसकी वजह से और कल्चरल इंटीग्रेशन लैक करता है और ये एक विशेष साइकिल फॉर्म हो जाती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं, यूपीएससी में 2018 में आया था कि कम्युनलिज्म राइजेज इन इंडिया ना, डिस्कस दी कम्युनलिज्म दैट राइजेज इन इंडिया इधर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्रीवेशन। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो पहले तो डिफिनीशन ऑफ कम्युनलिज्म बता देना जो हमने पढ़ा, फिर इवोल्यूशन ऑफ कम्युनलिज्म करना है ट्रेसिंग ड्यू टू पावर स्ट्रगल एज वेल एज ड्यू टू रिलेटिव डिप्रीवेशन, दोनों जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसको दो हेडिंग में कैटेगराइज कर देना है, कंक्लूड करना है बाई एड्रेसिंग दिस द नीड ऑफ एड्रेसिंग दिस कम्युनलिज्म इज नीड ऑफ द आवर। फिर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ना, जो इसका कम्युनलिज्म का एक वॉलेंट ऑफ सूट है, तो ये जो है होता क्या है, इट इज़ अ सेल्फ स्टाइल्ड ट्रू बिलीव्स ऑफ रिलीजन्स ट्राई टू अरेस्ट द इरोजन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी एंड प्रैक्टिसेस, एंड इट इज़ विजिबल पैटर्न जो है, इट इज़ अ विजिबल पैटर्न ऑफ रिलीजियस मिलिटेंसी। तो सेल्फ स्टाइल्ड ट्रूज बिहेवियर रहेगा ऑफ रिलीजन्स दैट ट्राइज टू अरेस्ट द इरोजन ऑफ रिलीजन आइडेंटिटी एंड प्रैक्टिसेस। और रेशनल क्या है इसके इमरजेंस का, तो एक तो ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन इट हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेशनैलिटी एंड वी दैट वी हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द रिग्रेसिव एंड ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस विद इन द रिलीजन, एंड ड्यू टू सेकुलराइजेशन प्रोसेस बाय विच सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलीजन इज डिक्लाइनिंग। तो द रेशनल बिहाइंड द फंडामेंटलिज्म इज द बिलीव दैट ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन द वर्ल्ड हैज़ चेंज सो मच दैट इट इज़ अ थ्रेट टू देम एंड थ्रेट टू देयर एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर ट्रेडिशन। तो उसकी वजह से एक रिटेलिएशन में ये फंडामेंटलिज्म इंक्रीज होता है। तो एक तो यही कॉज हो गया कि भाई मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन से नेसेसरी कंडीशन इमर्ज होती है और फंडामेंटलिज्म, बट इट इज़ नॉट सफिशियंट। तो उसके लिए क्या चाहिए, तो एक तो आइडियोलॉजिकल कोहेशन होना चाहिए, एक सप्लाई ऑफ पोटेंशियल रिक्रूट्स होना चाहिए, दैट इज़ जो रिलेटिवली डिप्राइव्ड पीपल हैं। और कार्ल मार्क्स ने भी बोला था कि रिलीजन इज़ ओपियम ऑफ मासेस, तो जो लोग बहुत डिप्राइव्ड हैं ना, उनके लिए एक रिलीजन ओपियम की तरह काम करता है, यानी कि एक पेन किलर टाइप का काम करता है। फिर करिश्मेटिक कोई लीडरशिप हो जो उनको लीड करे, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन लाइक सोशल मीडिया में फंडामेंटलिज्म रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इंक्रीज होता है, फास्टर डिसिमिनेशन ऑफ आइडियाज़ होते हैं उसके थ्रू, एंड इमरजेंस ऑफ रेशनल एंड सेकुलर एजुकेशन, इन सब की वजह से फंडामेंटलिज्म बढ़ता है। तो मॉडर्निटी एक क्वेश्चन है, मॉडर्निटी इज़ ब्रीडिंग द रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें हम लोग उसका आर्गूमेंट्स इन फेवर एंड आर्गूमेंट्स इन अगेंस्ट दे सकते हैं। तो हमने देख लिया कि भाई कैसे हो रहा है, तो व्हाट इज़ हाउ टू टैकल द मीनिंग्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड कम्युनल वायलेंस, तो कैसे भाई टैकल कैसे करना है। पहले तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेट करना है, जिससे ये सब चीज़ें और फ्यूल होती हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लाना है विदाउट एनी आइडियोलॉजिकल जो है इम्फोसिस, एंड कम्युनल प्रेस पे बैन करना है, जो इधर बहुत एक्सट्रीम कम्युनल चीज़ें लिखते हैं छापते हैं। कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एलीट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल नीड्स टू बी चेक्ड, सेटिंग ऑफ पीस कम्युनिटीज़, ट्रेनिंग ऑफ पुलिस स्टाफ विथ रिस्पेक्ट टू डीलिंग विद कम्युनल वायलेंस, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स एंड क्रिपलिंग देयर कैपेसिटी टू डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर, इंश्योर करना है प्रमोटिंग हारमोनी थ्रू कल्चरल प्लेटफॉर्म्स लाइक सिनेमा है, उससे भाई ऐसा दिखाना है कि नहीं ठीक है वी ऑल आर इंडियंस, एंड करिश्मेटिक पर्सनैलिटीज़ को आगे आना होगा, सेकुलर लोगों को लीड करना होगा, एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक है, पब्लिक नीड टू बी अवेकेंड, कि भाई हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड लाइक रंगनाथन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी कि दैट पुलिस मिसयूज़ेस इट्स पावर इन दी केस ऑफ कम्युनलिज्म एट लॉट ना, तो दूसरे रिलीजन के लोगों को ऐसा ऑपरेस करने का टेंडेंसी रहती है, अगर पुलिस वाला किसी एक रिलीजन से और अपोजिट रिलीजन के लोगों को ऐसा मिसयूज़ ऑफ पावर करने का टेंडेंसी रहती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटीज़ एनजीओ
टू ड्राइव अवे दी मिसट्रस्ट बिटवीन दी एनी रिलीजियस ग्रुप्स। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम लोग कम्युनलिज्म को टैकल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक, दैट इज़ रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड दी इशूज़ एसोसिएटेड विद दिस। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएँ, और अपने स्टडी ग्रुप पे, अपने सर्कल्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो भी इस तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपका जो भी व्यू हैं, फीडबैक हैं, कोई भी चीज़ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और एक क्वेश्चन जाते जाते दूंगा कि जो दोबारा जिसको भी क्लियर है वो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कम्युनल पर्सन एंड अ रिलीजियस पर्सन, तो ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, देखते हैं कौन कितना सही बता सकता है। और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारा चैनल फॉलो करते रहें। कीप स्टडिंग, कीप इंजॉइंग योर लाइफ, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।